आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों द्वारा तमाम लुभावने वादों का दौर जारी है। सभी दल अलग अलग तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की जतन कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी युवाओं को साधने के लिए उनके लिए भी वादों का पिटारा खोले जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को दिल्ली में युवा घोषणा पत्र जारी करेंगे। पार्टी इसमें युवाओं के रोजगार, परीक्षा शुल्क व भर्तियों में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना नजरिया पेश करेगी। और वहीं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, आपको बता दें कि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, लड़कियों पे तमाम वादों के बाद कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो जारी करेगी। विभांशु, क्या कुछ है इस मैनिफेस्टो में, क्या कुछ नया होगा इस कांग्रेस की इस मैनिफेस्टो में? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा 2022 की तैयारी में सभी पार्टियां लग गए हैं और इस बार का मुकाबला भी देखने में बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी पार्टियां गठबंधन करके और कहीं ना कहीं से अपने जोड़ लगा रही हैं, कहीं जाति की राजनीति तो कहीं विकास की राजनीति। इसी बीच यूपी कांग्रेस ने बड़ा एक मुद्दा महिलाओं को बनाया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और यूपी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ेंगे। विभांशु, क्या कुछ नया होगा कांग्रेस की घोषणा पत्र में और क्या कुछ है? जी सिसला, कांग्रेस की तरफ से जो युवाओं और महिलाओं और किसानों की मतलब मुद्दों को रख के इस बार का उत्तर प्रदेश चुनाव को लड़ा जा रहा है, वही अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से आज दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मौजूदगी में महिला मैनिफेस्टो का युवा मैनिफेस्टो का इनॉग्रेशन किया जाएगा, रखा जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस इससे पहले महिला मैनिफेस्टो ला चुकी है, जिसमें महिलाओं को 40% आरक्षण के साथ महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान लाई है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनियों का सैलरी 3,000 से 10,000 करने की बात कह रही है। और वही अगर बात करें तो आज का जो मैनिफेस्टो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कि साथ एक मंच पर बहुत कम दिखते हैं, और आज दिल्ली के जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है वहां दोनों बैठेंगे और युवाओं के मैनिफेस्टो को इनॉग्रेट करेंगे। आपको बता दें कि युवाओं के मैनिफेस्टो जो होगा उसमें खास तौर पर युवाओं को लुभाने के लिए कुछ ऐसे पैतरे अपनाए जा रहे होंगे जिससे युवा आकर्षित हो सके और कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन दे सके। अब देखने की बात ये होगी कि अब तक आरएलडी की तरफ से बस अब तक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है, बल्कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हमारे संवाददाता हमसे नहीं जुड़ पा रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस यह मैनिफेस्टो युवाओं को आकर्षित करने के लिए ला रही है, जिस तरह से पहले भी प्रियंका गांधी युवा लड़कियों के लिए पहले स्कूटी और मोबाइल देने की बात कह चुकी हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारे वो दे चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं महिलाओं पर ला के केंद्रित कर दिया है। उन्होंने 40% टिकट देने की भी बात महिलाओं को कही और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से वो एक एक करके सीटें दे रही हैं और उनके घोषणा पत्र में उन्होंने पहले भी कहा था, उस तरह से दिख रहा है कि हाँ वो महिलाओं को अब वरीयता देने में बिल्कुल कामयाब है। और जिस तरह से हर बार उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातिकरण पे ध्रुवीकरण रही है, तो वही इस बार कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का ध्रुवीकरण महिलाओं को बना दिया है। दोबारा से हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, उत्तर प्रदेश के लिए यह मैनिफेस्टो कितना असरदार होगा? जी कृष्णा, अगर देखा जाए तो आरएलडी की तरफ से अब तक मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर से युवाओं को
साधने की कोशिश की गई है। और वहीं आज कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो कि दिल्ली में है अंदरपुर से, वहां पे आज इन दोनों की मौजूदगी में युवाओं की मैनिफेस्टो जारी की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश कार्यालय में महिला मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है और वहीं आपके कांग्रेस की तरफ से श्वेत पत्र किसानों के लिए भी जारी किया गया है जिसमें तमाम लुभावने वाले वादे हैं, जिसमें साफ तौर पर युवा महिला और किसानों की उनको खींचने का प्रयास किया जाए। अगर बात करें प्रियंका गांधी की तो विगत कुछ सालों में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैठ बनाते हुए नजर आ रही है, चाहे बात की जाए लखीमपुर हिंसा की, चाहे हाथरस में पीड़ित की, और चाहे बात करें सोनभद्र में नरसंहार की, चाहे उन्नाव की रेस देखते हैं, हर जगह प्रियंका गांधी खड़ी रहती है। और आपको सक्रिय इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस को जो कि उत्तर प्रदेश में डूबता हुआ जहाज है और सबसे बड़ा जहाज है, उस जहाज को ऊपर लाने में और पानी के सबसे ऊपरी सतह पे तैराने के लिए पूरा पैसा उपयोग कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की तरफ से महिला मैनिफेस्टो जो महिलाओं को वरीयता दिया गया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि बैनर तले तमाम कार्यक्रम रखे गए, मैराथन रखे गए, ऐसे सम्मेलन रखे गए, उन सम्मेलनों का क्या मतलब निकल के आता है? और जब आने वाला विधानसभा चुनाव जब मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे तो आखिर क्या सोचकर करेंगे? इन्हीं सब चीजों के साथ अब चुनाव 10 मार्च को ये सिद्ध हो पाएगा कि प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए आज के युवा मैनिफेस्टो, चाहे महिला मैनिफेस्टो, चाहे किसान श्वेत पत्र की बात की जाए, तो ये सब कितना कारगर साबित हो पाता है। वही देखने वाली बात ये होगी कि 40% जो उत्तर भारतीय राजनीति में अब तक इतने बड़े पैमाने पे महिलाओं को टिकट बिल्कुल नहीं दिया गया है, ऐसा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है जो कि काफी सराहनीय है। इससे जेंडर इक्वेलिटी की अगर बात करें तो महिला और पुरुष दोनों को एक समान अधिकार मिलने की भी बात प्रियंका गांधी करती रही है, उसी को देखते हुए 40% टिकटों में ही बंटवारा की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब CA NRC का लखनऊ में घंटाघर प्रदर्शन चल रहा था तो उस दौरान सदफ जाफर नाम की एक समाज सेविका जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी, उनको भी लखनऊ की कैंट विधानसभा से टिकट दिया गया। वही अगर बात करें उन्नाव रेप पीड़ित जो रेप विक्टिम थी उसकी माता जी को टिकट देकर कांग्रेस ने साफ सिद्ध कर दिया है कि महिलाओं की लड़ाई के लिए कांग्रेस सबसे आगे है। अब देखना यह होगा कि वो 40% महिलाओं में से कितने जीत के आती है और कितना कड़ा मुकाबला करती है। वैसे कांग्रेस की प्रियंका गांधी से के द्वारा कहा जा चुका है कि इस बार हम बस महिलाओं को मजबूती देने आए हैं और अगली बार का जो विधानसभा होगा उसमें यही महिलाएं जीतेंगी। तो साफ तौर पर प्रियंका गांधी कह चुकी है कि अगर ये महिलाएं नहीं जीती तो 2027 का चुनाव होगा उसमें यही महिलाएं जीत कराएंगी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष जो अजय कुमार लल्लू हैं वो भी काफी सक्रिय रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उन्होंने भी कांग्रेस को जगाने के लिए काफी कुछ काम किया है। अगर लॉकडाउन की बात करें तो सैकड़ों बार उन्हें गिरफ्तार करके और उन्हें जेल ले जाया गया, वहां से उन्हें फिर रिलीज और काफी प्रदर्शन किए हैं। अब इन सब प्रदर्शनों का जो मतलब निकल के आएगा वो 10 मार्च को निकल के आएगा। वही अगर विभांशु अगर बात करें तो आज के विभांशु अगर बात करें उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टिकट देने की तो बिहार की राजनीति में भी पहले ये हो चुका है लेकिन वहां पे असर ये हुआ था कि उन महिलाओं को टिकट मिला था जो पावरफुल हैं। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कुछ ऐसा होगा? टिकट तो महिलाओं को मिल गई, शायद वो कोशिश करने के बाद जीत भी जाए लेकिन फैसले उनके पति, उनके पिता या फिर उनके सीनियर मेंबर ही लेते हैं। या एक सवाल और भी सबसे बड़ा जो उठ के सामने आता है वो ये आता है कि एक सीट से अगर जो दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक महिला है और दूसरा पुरुष है, तो पुरुष को हमेशा से महिला से मजबूत समझा जाता है, महिला को हमेशा पुरुष से कमजोर समझा जाता है। तो महिलाओं के सामने, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के सामने क्या ये इतनी बड़ी कितनी बड़ी चुनौती है कि महिला को पहले तो ये भी प्रूफ करना है अपने आप को कि मैं महिला हूँ, मैं बेहतर कर सकती हूँ, उसे फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती? टिकट तो उन्हें मिल गया लेकिन उनके सामने और कितनी बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में? जी पिछला अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, मगर आप देखेंगे पंचायत चुनाव में अगर महिला सीट आती है तो जो पुरुष नेता होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो अपनी महिलाओं को लड़ाते हैं और प्रतिनिधि के तौर पे उनका पूरा काम करते हैं, मगर विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि सदन जाने की जब बारी आती है, जब विधानसभा का सत्र चलता है, तो उनके प्रतिनिधि नहीं बल्कि वो विधायक जो चुन के जाते हैं, जिन्हें जनता चुनती है, वही जाकर विधानसभाओं में अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं। अगर बात करें तो इस बार जो 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है, ऐसा साफ तौर पर जो वोटर्स है, जो दूर दराज गांवों के वोटर्स है, वो साफ तौर पर बड़े चेहरे पर वोट देते हैं, बल्कि प्रत्याशियों के चेहरे को देख कर वो नहीं देते हैं। बात करें तो वो भाजपा के तरफ से जो चेहरे हैं उनको देख के देंगे, सपा के चेहरे हैं उनको देख के देंगे, मगर अगर बात की जाए व्यक्तिगत प्रत्याशी के उस क्षेत्र में उसका क्या मामला है, कैसा वो उसका मतलब जनाधार है, तो इस क्षेत्र में अगर बात करें तो कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है वो प्रत्याशी या तो जो क्षेत्र है, जो विधानसभा है वहां सक्रिय है और इसके लिए प्रॉपर सर्वे के तहत टिकट दिया गया है। वही आपको बता दें कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जो कि टिकट न मिलने से नाखुश होकर भाजपा का दामन कल थाम लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये महिलाएं जो जिन्हें टिकट दिया गया, जिन्हें 40% टिकट दिया गया है, वो कितनी जीत के आती है। और आपको बता दें कि पहले फेज के चुनाव में, जो पहला फेज है, उसमें लगभग आपके 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों का चुनाव, उसमें ठीक वैसा ही हुआ जैसा प्रियंका गांधी ने कहा था। इन सब सीटों पे 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है और वही ये महिलाएं अपने प्रचार प्रसार में लग गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन महिलाओं को कितना समर्थन मिलता है, और खासकर अब देखने वाली बात ये भी होगी कि ये महिलाएं डोर टू डोर कैंपेन के दौरान अगर महिलाओं से मिलती हैं तो उनकी समस्याओं को कितना बाहर ला के रख सकती हैं, उनकी समस्याओं के बीच बात करके उन्हें सांत्वना दे के अपने तरफ वोट माइंड में पोलराइज कर सकती है। जी, कुल मिला के अगर देखा जाए विभांशु, तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को एक मजबूत हिस्सेदारी विधानसभा चुनाव में दी है, लेकिन जो पोस्टर गर्ल है प्रियंका मौर्य, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि वो पोस्टर गर्ल है, वो चेहरा है, उनके भाजपा में जाने से क्या कुछ असर पड़ा है कांग्रेस पे? जी, अगर बात करें तो ऐसे तमाम लोग दल बदल की राजनीति में जारी है। वहीं आप देखें तो समाजवादी खेमे से बड़ा चेहरा अपर्णा यादव, वो भाजपा में ज्वाइन होती है। सपा के भाजपा के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, या बात करें तो मुकेश वर्मा विधायक, या बिजलाल कुशवाहा, या बात करें तो ऐसे कई सारे विधायक और मंत्री सपा में जाते हैं, मगर साफ तौर पे 2-3 दिन के लिए जो मीडिया है, जो लोग हैं, उनके विचार में अनेकों चीजें चलती है कि इनका दबदबा हो गया। तो अभी जो प्रियंका मौर्य है वो खास तौर से अभी उभरता हुआ चेहरा है, और उनको अगर उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनका पोस्टर है, जो उनका थीम पोस्टर था, उस पर उन्हें मध्य में रखकर और पोस्टर गर्ल के नाम से बताया जा रहा था, मीडिया के लोग उन्हें पोस्टर गर्ल बता रहे थे, मगर वही उनके द्वारा जब उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो वो इससे नाखुश होकर और भाजपा का दामन थाम लेती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा में जाकर उन्हें टिकट मिलता है या उन्हें रखा जाता है बस पार्टी के अंदर सदस्यता के सदस्य बना के। अब बात ये भी देखने वाली होगी कि प्रियंका मौर्य कि अगर उन्हें भाजपा टिकट नहीं देती है तो वो भाजपा में रुकती है या कहीं और का दामन थाम लेती है। वही कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि प्रियंका मौर्य के जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम उन्हें बस एक कार्यकर्ता के तौर पे रख रहे थे और उन्होंने संयम नहीं रखा, हम उन्हें आगे की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, मगर उन्होंने जल्दबाजी का फैसला लेते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। जी जी, धन्यवाद विभांशु। तो आपने देखा कि किस तरह से कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाएं अपनी हकदारी दिखा रही हैं और दल बदल की भी राजनीति जारी है। जहां एक और यूपी विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी वर्चुअल रैली करने में जुटी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की आज दूसरी वर्चुअल रैली करेगी, जिसमें 11:30 बजे सुशीला सरोज संबोधित करेंगी और 4 बजे केशव देव मौर्य इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। सुशीला सरोज समाजवादी पार्टी सपा की राजनीतिक दल की सदस्य है और मोहनलालगंज सीट से पूर्व सांसद भी रही है, तो वहीं केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष हैं, जिस तरह से लगातार
आपने देखा है कि हर पार्टी गठबंधन कर रही है, उसी तरह अखिलेश यादव ने इस बार बड़ी राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन नहीं करके छोटे छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन किया है। इस बार उन्होंने यह पैतरा अपनाया, जैसा कि पिछली बार की चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी कांग्रेस से गठबंधन किया था, तो वहीं इस बार उन्होंने छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन कर अपनी जीत सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है और वो लगातार अपनी छोटी पार्टियों के साथ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत कड़ाके की और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनाव में। और वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, आज वर्चुअल रैलियां होनी है सपा की, पहले 11:30 बजे तो सुशीला सरोज करेंगी और केशव देव मौर्य 4 बजे करेंगे, क्या कुछ आज का मुद्दा होगा इस रैली का? जी, आपको बता दें कि आज महान दल के तरफ से पहली वर्चुअल रैली रखी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि महान दल जो कि सपा का, जब छोटे दलों का जोड़ने की प्रक्रिया जारी होगी, तो महान दल वो दल था जो सबसे पहले अखिलेश के साथ जाके उनके गठबंधन का हिस्सा बनता है। आपको बताना चाहेंगे कि महान दल के जो केशव देव मौर्य है वो सबसे पहले बसपाई थे। 2007 में उन्होंने बसपा को छोड़कर 2008 में महान दल की नींव रखी और इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर 2012 का लोकसभा लड़ा और 2019 का भी। वहीं अगर बात करें 2017 विधानसभा चुनाव की, इन्होंने 71 सीटों पर प्रदेश के जो 403 विधानसभा सीट है उसमें 71 सीटों पर ये चुनाव लड़ते हैं, मगर एक में भी जीत हासिल नहीं होती है। अगर केशव देव मौर्य की बात करें तो खासकर कुशवाहा, साक्य और इन सब जो जातियां हैं उनमें खास तरह की पैठ है, जो उत्तर प्रदेश में 6% जिनकी आबादी है। अगर बात की जाए केशव देव मौर्य की, तो केशव देव मौर्य साक्य और कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। अब देखने की बात ये होगी कि अब इनके वर्चुअल रैली और तमाम कोशिशों के बाद जो समाजवादी पार्टी की मैया है जो विधानसभा चुनाव में तैर रही है वो कहां तक पार दिला पाते हैं केशव देव मौर्य। उनके साथ सहयोगी दल के तौर पे केशव देव मौर्य के साथ सहयोगी दलों की अगर बात करें तो सुभाजपा, चौहान पार्टी और आपकी आरएलडी है। वही अगर केशव देव की मौर्य की वर्चुअल रैली की बात करें तो आज उस दौर में जो कोविड के तमाम गाइडलाइनों को जारी करते हुए डोर टू डोर कर 5 लोगों की समय सीमा के साथ जो डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की गई, उसमें आज समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से पहली रैली है जिसमें वो अपने लोगों को और खास करके पश्चिम के जो जिले हैं उसमें खासतौर से ये जो मौर्य समाज है और जो उधर के वोटर है जहां ये गठबंधन में लगभग इनको 10 सीटें मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं, तो उन सब सीटों को देखते हुए प्रत्याशियों का लगभग वो चयन कर चुके हैं, घोषणा बाकी है, तो इन सब सीटों पर वो अभी से तैयारी कर रहे हैं, उसी को लेकर आज वर्चुअल रैली की जा रही है। इसी के साथ उनके साथ उनकी पार्टी की जो पूर्व सांसद है प्रमिला वो भी लगभग आपकी मौजूद रहेगी और केशव देव मौर्य जो कि अखिलेश यादव से काफी करीबी माने जा रहे हैं और अखिलेश के काफी घनिष्ठता इनकी 2020 से भरी हुई है। जी विभांशु, जिस हिसाब से पहले ही अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, उन्होंने पहले ही कहा कि बड़े दल सीट ज्यादा मांगते हैं, तो इस बार उन्होंने छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, तो कौन कौन से छोटे दल अपने अपने पार्टी से ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं? जी पिछला अगर बताना चाहे तो 2017 का जो चुनाव था जिसमें भाजपा 325 सीटों सहयोगी दलों के समर्थन के साथ 325 सीटों से ऊपर जीती थी, उसमें खास तौर पे आपने देखा था कि छोटे दल का बहुत ही बड़ा उसमें रोल रहा था। उसी पैटर्न पर इस बार 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को सम्मिलित करते हैं जिसमें आपके एनसीपी को वो जो महाराष्ट्र की एनसीपी है उसको 1 सीटें देते हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी न उतारने की घोषणा करते हैं। वहीं अगर बात करें तो जो भाजपा के पुराने सहयोगी जो 2017 में भाजपा को सत्ता में लाने का एक अहम चाबी के रूप में साबित हुए थे सुभाजपा की तरफ से ओम प्रकाश राजभर जो कि इस बार अखिलेश यादव के साथ है, चौहान पार्टी जो कि खासतौर पर डॉक्टर चौहान जो है उनकी पार्टी है, और आपको बताना चाहेंगे केशव देव मौर्य और आपके पूर्वांचल के जाट लैंड के
जो बादशाह कहे जाते थे पिछले के राजनीति में, वो जयंत चौधरी, वो भी इस बार अखिलेश यादव के गठबंधन में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये अपना दल के जो कृष्णा पटेल है, जो अपना दल के है, वो भी अखिलेश यादव के गठबंधन में। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सब उनके सहयोगी मिलकर जो छोटे दल हैं, जो छोटे दलों को जोड़कर अब इस बार विधानसभा चुनाव में अखिलेश एक गठबंधन को तैयार किए हैं, वो कितना कारगर साबित हो पाता है और कितनी सीटों पर उनको मिलती है। अब तक देखा जाए तो जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं तो उसमें सुभाजपा को 20 टिकटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर बात करें तो आपके महान दल को लगभग आपके 10 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं आरएलडी को 30 से 35 सीटें मिल रही हैं। खासतौर पर अगर आरएलडी की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग सीटों पर उसके प्रत्याशी तय हो चुके हैं, 25 सीटों पर आरएलडी के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। और वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान आंदोलन के बाद, खाप पंचायतों के बाद, जो पश्चिम के उत्तर प्रदेश में आरएलडी का जनाधार तैयार हुआ है, बल्कि वो कितना वोटों में तबादला हो सकता है। अगर बात करें तो जो अखिलेश यादव की पिछली सरकार थी उसमें बाला कबाला मुजफ्फरपुर दंगों की वजह से, खासतौर पर जो 11 जिले हैं और आपके 58 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें 53 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी और 2 सीटों पे बसपा और 2 सीटों पे सपा, 1 पर आपकी आरएलडी। तो पूरी तरह से अगर देखें तो आरएलडी का 2017 चुनाव में खात्मा हो गया था, लेकिन इस बार के जो खाप पंचायत हुए या किसान आंदोलन में, जैसे किसानों का जयंत चौधरी के साथ उनके खाप पंचायतों में जाकर भीड़ की बात करें, चाहे रैलियों की बात करें, जो अखिलेश और जयंत की संयुक्त रैली होती है, तो इसमें देखने वाली बात यह होगी कि इन सब भीड़ों को कितना पोलराइज करके वोट में तबादला कर पाते हैं जयंत। और वही राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जयंत इस बार पश्चिम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो वही अगर बात करें मध्य की, तो मध्य से जो आपके पूर्वांचल के कुछ अब मध्य की सीटें हैं, वहां ओम प्रकाश राजभर को दायित्व दिया गया है। वही पश्चिम में सहयोगी के रूप में केशव देव मौर्य भी मौजूद होंगे। वहीं अगर मिर्जापुर, बनारस और इन सब सीटों की बात करें तो अपना दल के से कृष्णा पटेल को भी सीटें देने जाने की बात कही गई है, मगर अब तक ये नहीं साबित हो पाया है कि कितनी टिकट उन्हें दी जाएगी। जी जी धन्यवाद विभांशु। तो देखा आपने किस तरह से अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर इस बार अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। तो ये आपको बता दें कि अभी भी कृष्णा गुट को अभी भी कोई टिकट उनका नहीं हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।